मध्य प्रदेश के रीवा जिले में मामा की तरफ से सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले सभी छात्राओं को साइकिल बांटी गई, लेकिन छात्राओं को खराब और खस्ता हालत की साइकिलें मिली। इनमें से कई बच्चियों को बिल्कुल टूटी हुई साइकिल मिली है। आलम ये है कि बच्चियां इन साइकिल्स का बोझ तक नहीं उठा पा रही, बल्कि बच्चियां इन साइकिल को ढकेलते हुए नजर आ रही हैं। दरअसल सरकारी स्कूलों में बच्चों की संख्या बढ़ाने को लेकर सरकार ने निशुल्क साइकिल वितरण योजना शुरू की है। इसके तहत सभी जिलों के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को साइकिल्स बांटी जा रही हैं। जो साइकिल मिली अपने को वो अपन उनको दे रहे हैं बच्चों को। मैंने कहा है कि छोटी मोटी जो कमियां हैं उसको यहाँ पे सामने साइकिल। हालांकि अगर देखा जाए तो अगर कोई भी साइकिल, सभी साइकिलें वो हैं, हर किसी भी साइकिल मतलब एक भी टायर में हवा नहीं है। ये बड़े बच्चियों का भी कहना है कि किसी भी साइकिल में हवा नहीं है, चैन उतरी हुई है, चैन उतरी है, वहाँ से ढंगाते हुए लाई हैं, क्या मानते हैं? उसके लिए सर वहाँ से व्यवस्था नहीं की गई तो हम लोग क्या कर सकते हैं? वहाँ पे साइकिल वितरण में कौन कौन अधिकारी थे उपस्थित, कौन कौन से अधिकारी वहाँ पर उपस्थित थे साइकिल वितरण के टाइम पे? अभी वहाँ पर कोई नहीं है, टीचर थे, जो है दो टीचर थे उन्होंने और दो चपरासी थे, उन्होंने साइकिल हमारे साथ गए थे निकलवा करके, हम ही लोगों ने निकलवाई। हम ही लोगों ने सब लड़कियाँ साइकिल लिए बिना वापस आ गई, बिना साइकिल के ही वापस आई हैं। सब बच्चों का नाम लिखा हुआ है, सबको सूची में साइन करा रहे हैं, सबको बाकायदा देंगे। और वितरण के टाइम पे कोई भी संबंधित अधिकारी नहीं थे वहाँ पर? वितरण के संबंधित अधिकारी वहाँ बैठे हुए हैं। अब नाम बता दीजिए। नाम क्या बताना है, वो डीओ साहब है, डीओ साहब रहेंगे और क्या, डीओ साहब अपने चैम्बर में रहते हैं। अभी तो आपका कहना था कोई भी अधिकारी नहीं थे वहाँ के, शिक्षक और चपरासी थे जिनकी ड्यूटी लगी थी, शिक्षक ही थे वो। उनका क्या नाम है शिक्षक का जिनकी ड्यूटी लगी थी बांटने में? वो तो है, नाम मेरे को नहीं मालूम। रीवा जिले में भी सरकारी स्कूलों में छात्राओं को साइकिल बांटी जानी थी, लेकिन छात्राओं को समय से साइकिल वितरित ना होने के चलते बहुत सी साइकिल खराब हालत में पहुंच गई। इन साइकिल्स को मेंटेनेंस की जरूरत थी, लेकिन स्कूल ने छात्राओं को खराब हालत में ही साइकिल दे दी। जो साइकिल्स बच्चियों को बांटी गई उनमें से ज्यादातर के टायर ट्यूब खराब हैं, चैन के साथ इनके ताले भी खराब हैं। बच्चियों को जब साइकिल मिली तो हालत ये थी कि वो उनको चलाकर स्कूल तक नहीं जा सकती थी। मजबूरन बच्चियों ने इन साइकिल्स को 1.5 से 2 किलोमीटर तक पैदल चलाया। हवा है नहीं। आप वहाँ से ढंगाते हुए साइकिल लाए हो? हाँ। काफी दूर था। अब घर कैसे लेके आप जाओगे पैदल ढंगाते हुए? कुछ साइकिल्स के चक्के इतने खराब थे कि वो आगे भी नहीं बढ़ पा रही थी, जिसके चलते छात्राएं उन्हें घसीटते हुए नजर आईं। हालांकि इस बारे में जब जिम्मेदार अधिकारियों से बात की गई, तो उनका कहना है कि कोरोना काल के बाद से साइकिल का वितरण नहीं किया गया, जिसके चलते रखे रखे साइकिल्स के टायर ट्यूब खराब हो गए, जिसका मेंटेनेंस कराया जाएगा। किसी को भी कबाड़ साइकिल नहीं दी जाएगी, और अगर ऐसा है तो इसकी जांच कराई जाएगी। मरम्मत करा के ही दी जानी है, इसमें टायर ट्यूब जो गड़बड़ है, रबर आइटम ज़्यादा गड़बड़ है, क्योंकि कोरोना में दो साल साइकिलें रखी थी तो टायर ट्यूब गड़बड़ है। मतलब आपको जो कंडम साइकिल है उन्हें किसी भी चीज़ को वितरित नहीं करना। तो दिया गया है, ये सामने है, वीडियो में सामने दिख रहा है। अभी आपका कहना था कि बनवा के दी जाएगी, बनवा के ही भी ये जो स्पष्ट निर्देश है कि बगैर साइकिल के मरम्मत के किसी व्यक्ति, ये जो साइकिल वितरित की, ये जो साइकिल वितरित कर दी गई है खराब साइकिल, तो इसकी इसमें जिम्मेदार आप किसको मानते हैं? तो फिर बच्चे लेके जा रहे हैं, जब वितरित नहीं की गई तो बच्चे फिर क्यों लेके जा रहे हैं साइकिल? गलत जानकारी आपको मिली होगी। साइकिल मरम्मत कराकर ही छात्र को दी जाएगी, बिना मरम्मत के साइकिल दी गई है। मरम्मत के प्राचार्य ने उठाव किया होगा तो वो जिस साइकिल स्कूल से उनकी बात हुई होगी वहाँ से साइकिल बनवा के छात्रों को दी जाएगी। हालांकि जिम्मेदार अधिकारियों की दलील चाहे जो भी हो, लेकिन तस्वीरों में साफ नजर आ रहा है कि छात्राओं को जो साइकिल दी गई उससे उन्हें किस तरह की परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।